गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हमें नेक्स्ट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4। नेम ऑफ द चैप्टर इज मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। देखिए बेटा, सबसे पहला जो मेथड है दैट इज इनकम मेथड। अब जब हम इनकम मेथड के बारे में बात करते हैं, इनकम मेथड इज दैट मेथड इन विच वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय समिंग ऑफ इनकम ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स अर्नड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब हम यहां क्या ऐड करते हैं, वी ऐड इनकम ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट्स व्हाई ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड क्यों बोलते हैं, कि इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एवरी फैक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर ऑफ इट्स सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम मेथड, और इनकम मेथड के बारे में हमने बात की कि इनकम मेथड इज दैट मेथड इन विच वी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग इनकम ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्नड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब जब इनकम मेथड का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो पहला स्टेप हमारा क्या है, एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए एग्जाम में हमें इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फिलहाल हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसकी एब्रीवेशन बना लेते हैं, दैट इज COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकेंड टाइप ऑफ फैक्टर इनकम इज ऑपरेटिंग सरप्लस, OS। थर्ड इज मिक्स्ड इनकम, एंड मिक्स्ड इनकम को हम अपनी शॉर्ट फॉर्म में डाल लेते हैं, दैट इज MY। एंड फोर्थ इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं बेटा NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम बिहाफ ऑफ वर्क इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। शुद्ध हिंदी में यदि कहा जाए कि काम के बदले जो आय प्राप्त होती है उसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज गेटिंग इनकम ऑन द बिहाफ ऑफ वर्क, यानी किसी को जब हम अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं तो उसके बदले जो आपको इनकम मिलती है दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या बोलते हैं बेटा उसको, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फॉर एग्जाम्पल, आई रेंडर माई सर्विसेज टू द डीएवी सेंट एंड्री पब्लिक स्कूल रोहतक। मैं डीएवी सेंट एंड्री पब्लिक स्कूल रोहतक के लिए काम करता हूं, तो उसके बदले जो मुझे इनकम मिलती है वहां से अपनी सेवाओं के बदले में, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूं, आपको कुछ एग्जाम्पल एक स्टोरी की फॉर्म में आपको सिखाता हूं कि किसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आप स्टोरी सुनने के लिए रेडी रहिए, आराम से कमर लगा के बैठ जाइए और सुनते चले जाइए, ठीक है जी। बीच में इंटरप्शन नहीं करना, ए
एक बार सुनते जाएंगे तो आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कभी भूलेगा नहीं। देखिए पेज पलट लेते हैं, देन आई विल स्टार्ट द स्टोरी ताकि मैं भी बीच में कोई इंटरप्शन ना करूं। अब देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हैज फॉलोइंग फोर कॉम्पोनेंट्स। फर्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, सेकेंड वेजेस इन काइंड्स, थर्ड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, एंड फोर्थ इज रिटायरमेंट पेंशन। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाता हूं जिससे आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कभी भूलेगा नहीं। एक लड़का बहुत इंटेलिजेंट, बीटेक पास की, और बीटेक पास करने के बाद ही गॉट जॉब इन वेरियस बिग सिटीज एज ए रेप्यूटेटेड पोस्ट, बट पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब करते थे तो दोनों ने बोला कि बेटा आप इकलौते बेटे हो, बहन की शादी हो गई, हमारे पास आपके अलावा कौन है, आप रहने दो, जॉब मत करो, यही रोहतक में कहीं ज्वाइन कर लो, जो मिलेगा आप उसको अपने पे खर्च करो, हमारे पास बहुत है, पापा की सैलरी आती है, मम्मी की सैलरी आती है, आप आराम से रहो, आपको जो चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो ऐश चाहिए वो हम दिलाएंगे, बट बाहर मत जाओ। अब इस एज में हमें एक बच्चा है उसको बाहर भेज दें, हम यहां परेशान रहे, देन व्हाट इज द यूज ऑफ सच काइंड ऑफ इनकम। अब बेटा मान लेता है और 20,000 रुपए की जॉब एक कंपनी में एक्सेप्ट कर लेता है। अब जॉब एक्सेप्ट कर ली, मां बाप बहुत खुश हैं, एक डेढ़ साल बाद पेरेंट्स ने उसकी शादी कर ली। शादी की बहुत मां बाप के पैसे की वजह से खूब मौज, बहुत उसको दहेज वहेज मिला, गाड़ी वाड़ी मिली, एंड ही वॉज इंजॉइंग हिज लाइफ, मजे ले रहा है, कर यार मुझे क्या दिक्कत है, पेरेंट्स दे रहे हैं, मैं जो कमा रहा हूं उड़ा रहा हूं। लेकिन 5-6 साल में जब दो बेटे हो गए, पापा मम्मी रिटायर हो गए, अब सैलरी आधी हो गई, पेंशन आने लगी, अब घर में दिक्कत शुरू हो गई, वाइफ ने ताने मारने शुरू कर दिए, उसने कहा भाई इतने कम पैसों में गुजारा नहीं होता, और मम्मी पापा की अब पेंशन आती है, वो इतना वो खर्च नहीं करते, ये है वो है, तो उसने सोचा कि इट इज गुड टू गेट जॉब इन अ बिग फर्म। ऑनलाइन 5-7 फॉर्म भरे, और फॉर्म भरने के बाद गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी से उसको इंटरव्यू का लेटर आ गया। अब घर से तैयार होके पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, उन्होंने कहा कि बेटा अब तेरी जिंदगी है, तुझे जाना है तो जा, हम रोकते नहीं, कोई बात नहीं, फैमिली की खुशी में खुशी है। अब वहां बेंच बैठी है पूरी, इंटरव्यू लेने वालों का ग्रुप, उसको बेंच बोलते हैं, उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे, एक्सपीरियंस्ड है, इंटेलिजेंट है, सब क्वेश्चन का बढ़िया आंसर दिया। उन्होंने कहा कि वी विल गिव यू 60,000 रुपीज पर मंथ, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी है, डीए है, ये सब मिला के, डीए मींस डियरनेस अलाउंस। जब यहां वर्ड आ जाता है कैश, तो कैश आने के बाद हम कोई भी कैश पेमेंट फिर उसके बाद नहीं ऐड करते, ये कैश पे मैंने डबल अंडरलाइन किया है, कैश आने के बाद आप कोई भी अलग से कंसेप्ट ऐड नहीं करते। उन्होंने कहा हम आपको 60,000 रुपए महीना देंगे, ये 60,000 रुपए महीना क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है, तैयार हो? उसने कहा यस सर रेडी, आई एम रेडी टू वर्क ऑन 60,000 पर मंथ। कह रहे ठीक है सर, ओके, कल से आइए सुबह 8 बजे। अब 8 बजे सुनते ही घबरा गया, कह रहे सर मैं रोहतक से आऊंगा, मैंने अपने सीवी में लिखा हुआ है, और रोज रोहतक से सुबह 8 बजे आना इज नॉट पॉसिबल। तुमने कहा आपको किसने कहा कि आपने बाहर से आना है, हम आपको फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कंपनी की हाउसिंग सोसाइटी है जहां पे आपको फ्री बीएचके का फ्लैट मिल रहा है बिना किराए के, फ्री एकोमोडेशन। उसने कहा मैं पापा से बात कर लूं फिर मैं बताऊंगा सर, क्योंकि शहर छोड़ना इज नॉट ईजी टास्क। उन्हें पापा को फोन किया कि पापा एक कंपनी जिसका मैं इंटरव्यू देने गया था वो 60,000 महीना दे रहे हैं पर रोज सुबह 8 बजे आना है, आप देखो 5 बजे कैसे निकलूंगा मैं। उसने कहा फिर वही वही किराए पे ले, किराए पे नहीं लेना पापा, वो फ्लैट फ्री में दे रहे हैं, फ्री एकोमोडेशन दे रहे हैं। उसने कहा ठीक है,
तू यस कर और मैं तेरे फ्रेंड्स को फोन करके बुलाता हूं, ट्रक में तेरा सामान लोड करा देता हूं, तू आज ही शिफ्ट कर ले, साइन करके वहां आ, यहां तेरा सामान लोड मिलेगा, अपने बच्चे अपना परिवार लेके तू आज ही शिफ्ट हो जा, रात को सेट कर देंगे दोस्त तेरे, इतने दोस्त हैं इतने बच्चे अच्छे, वो सेट कर देंगे सामान, तुम रहो वहां पे, वहीं सेटल हो जाओ। अब फ्री एकोमोडेशन मिल रही है, इट इज नोन एज वेजेस इन काइंड्स। तो सर पहले वेजेस इन काइंड्स का मीनिंग तो बता दो। वेजेस इन काइंड मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज गिवन बाय द एम्प्लॉयर एक्सेप्ट सैलरीज इन कैश इज कॉल्ड वेजेस इन काइंड्स। तो पहला क्या मिल गया, पहला मिल गया फ्री एकोमोडेशन, क्या कहोगे, वेजेस इन काइंड्स। घर पहुंचा, ट्रक लोड खड़ा है, सारा बेड सोफे सब दोस्तों ने चढ़ा दिए, पेरेंट्स ने सारी पैकिंग करा दी 2 घंटे में। अब आगे आगे खाना वाना खा के फ्रंट सीट पे वो गाड़ी चला रहा है, साथ वाइफ बैठी है, पीछे 2 बच्चे बैठे हैं, एक दोस्त साथ बैठा है, 3-4 दोस्त पीछे ट्रक में आ रहे हैं। गाड़ी को फॉलो करते करते ट्रक गुड़गांव पहुंच गया, हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचे, मस्त फ्लैट देख, वो देखने में बनता है भाई, मस्त एकदम। 3 BHK, दोस्त उठा रहे हैं सामान, वाइफ लगवा रही है, भैया बेड यहां लगा दो, सोफा यहां लगा दो, ये यहां लगा दो, किचन का सामान सेट कर रही है। अब ये सब काम करते करते 8 बज गए, वो बच्चे 2 कहां है वो ढूंढो, वो देखा तो बाथरूम में खेल रहे हैं, बाथटब में, छोटे वाला अब बाथरूम में पानी में बच्चा खेलेगा तो क्या होगा उसको, सर बुखार होगा, जुकाम, 11 बजे के। अब देखा डांटा, तू बच्चे ध्यान नहीं रख सकती, कह रही जी कोई बात नहीं देखते हैं। अब दवाई ढूंढने लगी तो किट बच्चों की घर भूल आई, कह रहा ठीक है मैं इसको डॉक्टर पास ले जाता हूं। 7 की बेल बजाई 7 वाले फ्लैट की, के भाई साहब मैं आज नहीं, उन्होंने कहा हमें पता है आप बताओ क्या काम करें, खाना वाना, उन्होंने कहा नहीं सब है, मेरा बच्चा बीमार है छोटा 2 साल का, आप बताओ डॉक्टर कहां है, उन्होंने कहा ये व्हाइट सेंटर आपकी है, बिठाओ बच्चे को आओ मेरे साथ। 2-3 गलियां घूमे, एक हॉस्पिटल बड़ा सुंदर सा, वहां ले गए बच्चे को, दवाई पिलाई, बच्चे को इंजेक्शन लगाया, 1-1.5 घंटे में बच्चा ठीक हो गया। पैसे देने लगा के सर, उन्होंने कहा डोंट वरी, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, कंपनी विल पे, आपको नहीं पे करना। इसको बोलते हैं मेडिकल अलाउंस, इट इज वेजेस इन काइंड्स। अब घर आ गया, बच्चा सोया हुआ, सुला दिया आराम से, उसको बोला इसको दूध की बॉटल लगा दियो, अभी सोया रहने दे। अब दोस्त दोस्त बैठे हैं, खाना वाना खाया, बड़ी इमोशनल बातें हुई कि भाई मैं आ गया, तू मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखियो, 2-2.5 बजे तक बातें करके सो गए। सुबह 7 बजे नींद खुली, जाना है, फटाफट नहा धो के तैयार हुआ, अब गाड़ी लेके निकलने का, तो पड़ोसी ने कहा भैया गाड़ी की जरूरत नहीं है यहां पे, अभी बस आएगी वो लेके जाएगी। बस लेके गई, ट्रांसपोर्टेशन एड, वेजेस इन काइंड्स, ये काइंड्स। अब उसके बाद ऑफिस पहुंचा, स्क्वेयर वाला वो एक कैबिन मिल गया, बढ़िया कंप्यूटर, वाईफाई, इंटरनेट एकदम फर्स्ट क्लास, फुल्ली एसी, देख के बड़ा खुश हो रहा है, स्टेटस डाल रहा है, फ्रेंड्स को बता रहा है, रिश्तेदारों को बता रहा है। 4 बजे अभी बाद में बजाएंगे, 1 बजे लंच की बेल होती है, तो देखते कोई लंच नहीं लाया, वो तो खुद ही लाया था क्योंकि लेट उठा था, तो उसे पता लगा कि लंच इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, क्योंकि मल्टीनेशनल है, वो सोचती है फ्रेश फूड खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो बढ़िया काम करेंगे, इसको बोलते हैं एड ऑन लंच, वेजेस इन काइंड्स। 4 बजे फिर सीनियर मैनेजर ने बुलाया, कह रहा है शर्मा जी बुला के लाओ, शर्मा जी गए अंदर, शर्मा जी वो लड़के का ही सरनेम, कह रहा जी दिल लग गया, हाँ जी सर बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, कह रहा दिल लगा के काम करो, कंपनी विल गिव ईच एंड एवरीथिंग टू यू, आप जिंदगी भर, आपको ये जिंदगी छोटी लगेगी यहां काम करने में, पर सर ये जीन्स टी शर्ट पहन के मत आओ, ये रोहतक नहीं है, हमारा ड्रेस कोड है, कह रहा सर सैलरी मिलेगी फिर ले लूंगा, कह सैलरी की चिंता मत कर, ये पर्ची दे रहा हूं, बस वाले को बता दियो तेरे को मॉल के सामने उतार देगा, वहां से अपने साइज की 2 यूनिफॉर्म, 1 पेयर शूज, 3 टाई सब खरीद के, मतलब सब लेके और चले जाना, कंपनी विल ऑटोमेटिकली पे। अब घर पहुंचा, फोन लगा हुआ है, फोन का बिल कौन देगा, कंपनी देगी, वेजेस इन काइंड्स, फ्री यूनिफॉर्म, वेजेस इन काइंड्स। नेक्स्ट ईयर बच्चों का एडमिशन कराया, एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, वेजेस इन काइंड्स। अब वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड्स, ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई। थर्ड, सोशल
security contribution by employer. Social security contribution by employer. Employer का social security contribution क्या होता है? देखिए वो पहले तो सुनिए social security क्या होती है. देखिए मैं अपनी family का head हूं. Being head अपने बच्चों को अपने परिवार को food, clothes, shelter, health, education provide करना मेरी जिम्मेवारी है. मैं जब तक जिंदा हूं कमा रहा हूं they are socially secure समाज में सुरक्षित हैं. इसको बोलते हैं social security. अब मैं ना रहूं या काम करने लायक ना रहूं तो उनकी सोशल सिक्योरिटी चली गई. इसके लिए मेरी जितनी जिम्मेवारी है मेरे एम्प्लॉयर की भी जिम्मेवारी है. पर इससे बचने के लिए एक कानूनी तरीका है कि एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करता है. किसमें कंट्रीब्यूट करता है? प्रोविडेंट फंड में. अब जैसे प्रोविडेंट फंड क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि, यानी फ्यूचर के लिए बचा के रखना. सैलरी का एक पार्ट एम्प्लॉयर कटवाता है, उतना ही लगभग एम्प्लॉयर डालता है उसमें, ताकि फ्यूचर ऑफ द एम्प्लॉय सिक्योर हो जाए. जो खतरनाक काम करते हैं उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 20,000 से कम सैलरी वालों का ESI एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, यानी हेल्थ इंश्योरेंस होता है एक तरह का, ये सब भरता है. इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर. एक महीने बाद जब 60,000 तनख्वाह का चेक मिला, साथ में दो पर्चियां मिली, प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन की और नंबर सेकेंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की पर्ची प्रीमियम की, ये क्या हो जाएगा? अगर इंप्लॉयर देगा तो ऐड करोगे क्योंकि वो इनकम है. अगर इंप्लॉय खुद, मैं खुद अपना बीमा करवाऊं तो ये मेरी इनकम थोड़ी है, तो एक्सपेंडिचर है, इसको ऐड नहीं करोगे. रिटायरमेंट पेंशन, अब एज आ गई 60, बच्चे दोनों, जो वो एक बाथरूम में खेल रहे थे, एक को बुखार हुआ था, एक उससे बड़ा, दोनों डॉक्टर बन के USA में सेटल, वहीं पे ही अपना गोरी गोरी देख के अपना शादियां कर ली. अब वो यहां नहीं आना चाहते और वो पर्सन और उसकी वाइफ बुड्ढी वहां जाना नहीं चाहती. नहीं, इन्होंने मेरी मर्जी से शादी की है, मैं तो नहीं जाऊंगी वहां पे ना, मैं तो यही रहूंगी. बट पर्सन को चिंता क्या है कि अब इनकम बंद हो जाएगी, अब कैसे रहेंगे, बच्चों से तो हेल्प नहीं लेना चाहती. तो उन्होंने कहा कि यू विल गेट रिटायरमेंट पेंशन. अब पेंशन दो तरह की होती है, मैं रिटायरमेंट के नीचे डबल अंडरलाइन किया है. रिटायरमेंट आपका खुद का अर्न करा हुआ पैसा है, जिस दिन से नौकरी लगती है एक रिटायरमेंट फंड होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा जमा होता है, जिसको आपने मनी के चैप्टर में पढ़ा था. डेफर्ड पेमेंट है ये, डेफर्ड मतलब एक कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है, आप थोड़ा थोड़ा जमा कराते हो, कॉन्ट्रैक्ट है आपका एम्प्लॉयर के साथ कि जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा या मैं नहीं रहूंगा, ये पैसा और इसका ब्याज आप एन्यूटीज में किस्तों में बांट के मुझे या मेरे परिवार को दोगे. तो रिटायरमेंट पेंशन हमारा खुद का कमाया हुआ पैसा है, इसको नेशनल इनकम में ऐड करेंगे. सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हैव फोर कॉम्पोनेंट्स, थ्री नहीं फोर, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. अब कैश के नीचे डबल अंडरलाइन है, कैश होगा तो और कोई कैश पेमेंट नहीं ऐड करोगे. कौन सी? जैसे कमीशन, बोनस, डीए, एचआरए. डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता. जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है डीए बढ़ता है, सैलरी के अंदर ऐड होता है ताकि आपकी सैलरी आपके सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट रहे. एचआरए, होम रेंट अलाउंस, जिनको एकोमोडेशन नहीं देता उसको एम्प्लॉयर एचआरए देता है, होम रेंट अलाउंस, ताकि आप घर लेकर किराए पे रह सको. पर कैश लिखा होगा तो आप ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो आप कैश वाले अदर चीजें ऐड कर सकते हो, वेजेस इन काइंड से ऐड करोगे. फिर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, डबल अंडरलाइन किसके नीचे है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का ऐड करोगे, इंप्लॉई का नहीं. इन बातों को नोट कर लीजिए. फिर रिटायरमेंट पेंशन, पेंशन के साथ लिखा हुआ रिटायरमेंट तो ऐड करोगे, अदरवाइज ऐड नहीं करोगे. नेक्स्ट, अब सेकंड काइंड ऑफ इनकम इज ऑपरेटिंग सरप्लस. क्या बोलते हैं? इनकम ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस को इनिशिएट करता है, आइडिया ऑफ बिजनेस लाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करता है, प्रोडक्शन के डिसीजंस लेता है और सेल करके प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्क बियर करता है. जैसे
जियो के लिए अंबानी एंटरप्रेन्योर है, तो जो अंबानी को इनकम मिलेगी दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या क्या लेगा? अपनी प्रॉपर्टी का रेंट, मैं अंडरलाइन करता रहा हूं, आप देखते रहिए, प्रॉपर्टी का रेंट, गुडविल की रॉयल्टी, अपनी कैपिटल का इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योरशिप ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, उसके बदले में मिलेंगे प्रॉफिट। अब या तो सीधा सीधा प्रॉफिट दे रखा होगा, अगर सीधा प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट इन तीन टुकड़ों में बटा होगा, पहला डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को देते हैं, दूसरा कॉरपोरेट टैक्स, प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स जो हम सरकार को देते हैं, और तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, बच गया जो प्रोड्यूसर अपनी पॉकेट में रखेगा, एंटरप्रेन्योर अपनी पॉकेट में रखेगा। तो चार चीजें जोड़ लीजिए, ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। पर एक बच्चा बोलता है, सर एक बात बताओ, मुझे ना बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, प्रॉफिट भी दे रखा है और न्यूमेरिकल में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे रखा है, फिर ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूं किसको जोड़ू किसको ना जोड़ू, या ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है और कहीं प्रॉफिट लिख रखा है, अब मैं क्या करूं? तो मैं उसको एक शॉर्ट ट्रिक दी कि मान लीजिए आपके पास कुरकुरे का पूरा पैकेट है, सील बंद, आप अपने पैकेट पे ध्यान दोगे या जमीन पे गिरे हुए कुरकुरे पे ध्यान दोगे? बच्चा कह रहा है सर पैकेट पे ध्यान दूंगा। तो ये पूरा पैकेट मिल जब आपको मिल गया ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ये नीचे गिरे हुए आपको उठाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बिल्कुल सील बंद पैकेट है, ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा है। अब प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कुछ पढ़ाओ आपको नहीं देखना, आपको सिंपल अपना ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ लेना है। आपको प्रॉफिट दे रखा है बंद पैकेट, टुकड़े अलग दे रखे हैं तो प्रॉफिट दे रखा है, फिर डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड कुछ दे रखा हो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास पूरा कॉम्पोनेंट है। थर्ड काइंड ऑफ इनकम इज मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम की बात करते हैं तो इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो अपने आप को काम खुद देते हैं, जैसे एक लड़के ने एमबीबीएस की, डॉक्टर बन गया ना एमबीबीएस करते ही, अब वो नौकरी की तलाश नहीं कर रहा, उसने शहर में एक दुकान देखी, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के क्लिनिक लगा लिया, अपना क्लिनिक बना लिया, बाहर लिखा शर्मा क्लिनिक फिजिशियन। अब उसने अपने आप को काम खुद दिया, ही सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। आपकी गली के कोने पे एक कौन है? शॉपकीपर, सेल्फ एम्प्लॉयड। आपकी गली में सैलून है, वो बार्बर कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। बुटीक है, वो लेडी कौन है बुटीक की ओनर? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। लॉयर है, अपना ऑफिस खोल के बैठ गया कंसल्टेंसी, वो कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो अपने आप को काम खुद देते हैं, वो दो ड्यूटी निभाते हैं, एक वो वर्कर है एक वो एंटरप्रेन्योर है, उसको कंपनसेशन भी मिलता है, उसको ऑपरेटिंग सरप्लस भी मिलता है, तो दोनों को मिला के हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। बिकॉज जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, शॉपकीपर एंड ट्यूटर एटसेट्रा, के इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। मिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको कॉम्पनसेशन भी मिलता है और इसको ऑपरेटिंग सरप्लस भी मिलता है, बट ये अलग अलग हिसाब ना लगा के सारी इनकम को प्रॉफिट मान के पॉकेट में रख लेता है, हम उसको एक कंबाइंड नाम दे देते हैं, दैट इज मिक्स्ड इनकम। अब फोर्थ इनकम इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। एस्टिमेशन कैसे करते हैं हम? इस मेथड में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पूछ रखा है उसने आठ में से, आप पहले उस पर ध्यान मत दीजिए, सबसे पहले निकाल लीजिए एनडीपीएटएफसी, फिर अपनी कन्वर्जन टेबल का यूज कीजिए और वही कंसेप्ट निकाल लीजिए। एनडीपीएटएफसी निकालना है कैसे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ढूंढ के उठा लो, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, इन सभी को ऐड करके आपका क्या आ जाएगा? एनडीपीएटएफसी। और एनडीपीएटएफसी कैसे निकालना है? सीओई प्लस ओएस प्लस एमवाई। इस तरह से आप जो भी कुछ निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। क्लियर है जी? अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसका करके दिखाता हूं, बुक में से चलते हैं सीधा, डायरेक्ट बुक में से करेंगे, आप देखिए जरा, मैं यहां
बुक एडजस्ट कर देता हूं। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल है, मैं ऊपर पेज रखने की जगह बना लेता हूं। आपको बुक दिख रहा है, क्या बोल रहा है? ही इज सेइंग कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, प्रैक्टिकल्स ऑफ इनकम मेथड। ये बुक है कौन सी बुक है देखेंगे बाद में, फिलहाल देखिए। अब एक एक चीज पे ध्यान दीजिए, इसने बोला नेशनल इनकम निकालिए। नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपीएटएफसी, पर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले एनडीपीएटएफसी निकालेंगे। देखिए, अब मैं इस पे से पेज हटाता रहूंगा। एनडीपीएटएफसी फॉर्मूला क्या है? सीओई प्लस ओएस प्लस एमवाई। अब न्यूमेरिकल में देखिए, सीओई नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? वेजेस एंड सैलरीज 500 और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 50। तो सीओई कितना हो जाएगा? 500 प्लस 50, और कुछ नहीं दे रखा, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस ये दे रखा है, इट इज 900 प्लस मिक्स्ड इनकम। अब ढूंढिए मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज 200। अब ऐड करें, 550 प्लस 900, 1450 प्लस 200 इज इक्वल टू 1650। पर सर पूछा हुआ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज एनएनपीएटएफसी। मेरी पॉकेट में क्या पड़ा है? एनडीपीएटएफसी। मुझे निकालना क्या है? एनएनपीएटएफसी। एनडीपीएटएफसी गिवन है नेट और नेट सेम सेम, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, सॉरी सेम सेम, प्लस एनएफवाई पी पी, समझ गए क्या? और एफसी एफसी सेम सेम। अब एनएफवाई ढूंढें, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इट इज -10, 1450 प्लस -10 इट इज 1440 करोड़। आप लास्ट में ऐसे आंसर लिखेंगे, 10 नेशनल इनकम इज, शॉर्ट फॉर्म नहीं बेटा, मैं तो टाइम सेव करने के लिए लिख रहा हूं, नेशनल इनकम इज 1440 करोड़। ठीक है सर, आंसर लाए, सॉरी 1650 है, ये 1650 माइनस 10 1640 आएगा। आपने यहां से डाटा गलत उतार लिया सर, 1640 आंसर देखिए, 1640। ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं, आगे करके दिखा देता हूं आपको। ये देख लीजिए, 1640 करोड़। इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं, और आपको न्यूमेरिकल से कंसर्न अलग से वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, जिसमें अलग अलग मेथड से कुछ न्यूमेरिकल्स निकाल रखे हैं। फिलहाल मैंने आपको यह दिखाया कि किस तरह से आप इनका यूज करके नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग इनकम मेथड। तो जब प्रिकॉशन की बात करते हैं, तो प्रिकॉशन में हमारी प्रिकॉशन क्या है? स्विफ्ट, एस डब्ल्यू आई आई एफ टी। फर्स्ट एस, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग इनकम मेथड। अब हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग इनकम मेथड। फर्स्ट प्रिकॉशन,
अब स्विफ्ट की फर्स्ट, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कि सेकेंड हैंड गुड्स की सेल से जो इनकम रिसीव होती है उसको नेशनल इनकम में एड नहीं करते। कैसे सर? देखिए, आपके पास 2016 मॉडल अमेज कार है और आपका मन भर चुका, ओएलएक्स पे डाली, 5 लाख प्राइस रखा, पर्सन आया, कार पसंद की, 5 लाख आपको दे गया, कार वो ले गया, कोई नई चीज नहीं है इकोनॉमी में। कार आपके घर थी, उसके घर चलेगी, पैसा उसके घर था, वो आपके घर आ गया। 2016 में जब कार प्रोड्यूस हुई थी तब ऐड हो गई, अब दोबारा ऐड नहीं होगी। तो पहला एस, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मेरा मुंह मत देखते रहो, साथ साथ लिखते भी रहिए। डब्ल्यू, इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स कैपिटल गेन्स, अचानक से मिलने वाली आए, आपका कोई स्टॉक रखा है उसकी कीमत बढ़ जाए, कोई प्लॉट है उसकी कीमत बढ़ जाए, कोई रिलेटिव दूर का है आपके नाम प्रॉपर्टी करके मर जाए, इसको बोलते हैं विंडफॉल गेन्स। इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स और कैपिटल गेन्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आई स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल, इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आपने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में एड नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था सेम टी शर्ट की उस दिन, कि टी शर्ट भी ऐड कर लें और कपड़ा भी ऐड कर लें, तो कपड़ा दो बार आ गया, इट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। फिर आई, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। अब इलीगल एक्टिविटीज से मिलने वाले इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं करते? क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज, कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा, कोई स्मगलर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा, उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। नेक्स्ट एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, फॉर एग्जांपल सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आपके पास 1 लाख के शेयर थे, आज मार्केट की प्राइस 4 लाख है, आप बेच दें, ये फाइनेंशियल ट्रांसफर है, इससे इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ। बेस क्या है सर? हम ये देखते हैं कि नया क्या आया फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, बाकी को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। नेक्स्ट टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर इनकम। सर क्या होती है ट्रांसफर इनकम? जैसे ओल्ड एज पेंशन, बिना काम के मिलने वाली वन साइडेड इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओल्ड एज पेंशन, स्टाइफंड, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, पॉकेट मनी, इन सब चीज, चैरिटी, इन सबको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। पर एक बात ध्यान रखेंगे, क्या? दैट इज ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द ब्रोकर फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि जो ब्रोकर है उसने अपनी सर्विस दी और सर्विस के बदले ब्रोकरेज ली, दैट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, उसको नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। सर समझ आ गया? यस। अब आपने इनकम मेथड कंप्लीट किया, पर मेरी रिक्वेस्ट यही है, दो बार करें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल करें। हैव अ नाइस डे, बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।